कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे घबराना नहीं, हम सब आपस में दोस्त हैं। ओ दोस्त नहीं यार, बाप दे, बाप दा रुतबा, बाप दा निजाम है तेरा। ओ स्टैंड बाय, स्टैंड बाय, असी मर गए नहीं आए हाए, स्टैंड बाय। बूटा जी मैं तीन गिना गा ते तुसी बोलना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ओ भाई नाज़रीन कौन नु चार का प्रोग्राम, मैं तीन गिनने आ। बहुत ही मकबूल है तरीन प्रोग्राम नाज़रीन यार, तीन गिनने में आपका हो चाचा। तीन गिना गा ते फिर शुरू करना बूटा जी। नाज़रीन एक, आपने अपने लगे हमें जब देखा पहली बार, दो, इसलिए मैं ये प्रोग्राम नहीं करवाता। पौंक जो नाजरी मैं जी गाले नहीं सुनी, टाइम तुसी भी ध्यान नहीं करना, ये इसलिए हा कह जो तीन मैं शुरू भी कर लें। दोबारा करो। क्यों अब ये शुरू हो गया, अपनी रुकना। अच्छा यार को तरीका भी होता प्रोग्राम का यार। मेरा अपना तरीका, बूटे के अपने कानून, अपने तरीके। बूटा किसी के तरीकों को नहीं मानता। चलो जी ठीक है जी। तो उसी नाजरीन मसला दुनिया का कोई भी हो, कत्लो गारत, शादी बंधन, रिश्ते, रुकावट, कुछ भी मसला हो, बूटा हर कसम करता। मैदे की दर्द से लेकर मौसम सर्द तक मैं बूटा हर मसला का करता हूँ। और दुनिया भर में आपको कहीं भी शिकायत को मसला पेश आया हुआ, आप बचा लो हर एक के लिए। यहाँ इंसाफ और अनसाफ का मंजर है, ये भगवान का घर है, कहना जो कह ले तुझे किस बात का। ओ हर तरह का मसला हर का सुना, रिफ्रेशमेंट। नाजरीन आज मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर एजाजुल हसन डोगर एडवोकेट। किसी भी तारफ, हर किस्म के तारफ के ये मोहताज हैं। और ये हाना हो मोटा नन्ना, जिनका पेट देख के पता चलता है कि ये कितने बड़े वकील हैं। लोगों का कहीं हक नहीं खाते, लोग आप ही कहने के अला तू खाला मोटा है, तू कितने राजदा कितना। उसने भी जाते हुए यही कहा था, बेईमाना भुलते नहीं गईया यादा मेरिया, मेरे सज्जे हाथ पे हाथ रख के बैठे एक स्कूल के टीचर आजम मकसूद। स्कूल टीचर हैं ये, बच्चों का मुस्तकबिल के हामल, मुस्तकबिल बनाने वाले। नाजरीन तालीम देती हैं ये बच्चों को, बच्चियों को, उनके वालदेन को। इनका दावा है कि बच्चा अनपढ़ दे दें, और देखने में भी ये लगता है कि ठीक है। बहुत उम्मीदें थीं जिंदगी से, बहुत थे अपनों के रास्ते, सब सहारे ऐसे टूटे जीने के घूम गए सारे रास्ते। ऑक्सफोर्ड या तालीम से मयसर, लेकिन इनसे एक गलती हो गए। इन्होंने गवर्नमेंट से अपना स्कूल रजिस्टर नहीं कराया, सादा ही चला दिया रही। क्या हुआ था, एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कहता है आपको? जी सब तो पहले तो मेरी फुल्लां वाली कुर्ती हो, खर्चे तो तंग में। स्कूल के डॉक्टर और रजिस्ट्रेशन जरूरी है? अस्सलाम वालेकुम जी, सब तो पहले तो मैं कहना चाहवांगा कि जिंदगी दे विच एक गल है, दो वारी नहीं होनी चाहिए, एक वारी जड़ी कर ली बस गल मुक जानी चाहिए। दूसरी गल हो जा छोड़ो, नहीं रजिस्ट्रेशन की गल की ना, सब तो पहले स्कूल शुरू करने महकमे को पता होना, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि यह बंदा स्कूल शुरू कर रहा और इन्हें इस मकसद लिए कर रहा है। एक उसका बकायदा तौर पर महकमा बना हुआ है स्कूलों कॉलेजों वास्ते, एजुकेशन डिपार्टमेंट। भाजी रजिस्ट्रेशन जरूरी, गवर्नमेंट को भी पता हो जनाब कि इतने बच्चे पढ़ाते हैं, इदा तो ये बच्चे इकट्ठे करके ले जाके बच्चे बच्चों के नाल दौड़ जाए, तो गवर्नमेंट को भी पता कि भी किन्ने की किया। सिर्फ पढ़ाई का रौला नहीं होता जनाब, आज कल तेरे मेरे प्यार के सपने हर जुबान पर, सबको मालूम खबर हो। तो स्कूल शुरू कर लिया तो आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से रुजू नहीं किया? नहीं मैं सोचिया बच्चे पौने ने तलीम मेरी देनी, मैं तो गवर्नमेंट में कहता बेचा भी हिस्सा बनावा। खड़ शुरू हो गए, मैं तुमसे ये कह रहा कि तुमने तलीम कोई होता है, कुछ तो होने लगा। आई ना मुझसे मेरी पहली सी मोहब्बत मांगे, स्कूल ठीक है जी की जी 3G की जी जी। देखो मैं रजिस्ट्रेशन कराने वास्ते 4-5 बंदे आ गए सी, मेरे को आंदे सी पैसे लै जांदे सी रिश्वत, लेकिन नहीं कराई ते मेरा कसूर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की हाल चाल है बूटा जी? ठीक है। मैं एक राइटर हाँ जी, तो मैं तलीम के उत्ते किताबा लिखनिया ने 2-3, और मैं मजीद तलीम के उत्ते एक किताब लिखनी चाह रहे हैं, इस तो मैं कॉल की थी तलीम। मसला क्या है आपका, कौन सा, कहाँ से बोल रहा? मसले यार, मसलियाँ तो अलावा भी कोई गल, मसला यह है जी कि मैं नाखन आप हर हफ्ते 10 दिन बाद कटता, फिर वड्डे हो जाते हैं, यह कोई हाल दसो जनाब। क्या कह रहा? हेलो पत्थर दे एंकर, थोड़ा जहा हिलजुल के भी विखा। आपकी आवाज की मुझे समझ ही नहीं आ रही। हेलो हूँ आ रही है? हाँ जी। मैं क्या जी नाखन कटदा मैं 8-10 दिन बाद फिर वड्डे हो जांदे ने, इहदा कोई हल करो। उंगलियां कटवा दे तू। अच्छा जी।
हाँ जी। फिर मैं किसी दी उंगल भी नहीं चुक सकूंगा? नहीं नहीं, ना तेरे को उंगल ते लगेगा, किसी दी अख च भी नहीं बजया करेगी। हाँ जी। मैं कह रहा सी जी, मैं तलीम दे उपर कोई शेर लिखे ने। मसला तुहाडा की आ? कोई मसला हैगा? मसले दी कोई गल करो ना। लो मसला है जी के मेरे को एक गन ना जनाब। अच्छा। AK-47। अच्छा। ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬੂਟਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕੋ ਹੈ ਤੋ? ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਲਕਾ ਕੋ ਥਾਣਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਨ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ 5-7-10 ਫਾਇਰ ਕੱਢੋ ਥਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ AK-47 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਏ ਵੀ ਪਿਆਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਿਠਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਮੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 5 ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। AK-47 ਕੋਈ ਗਨ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਬ ਦੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਨਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ AK-47 ਬਰਡ ਪਰਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੇਟੇ, ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ AK-47 ਪਿਸਤੌਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ। ਮੇਰਾ AK-47 ਹੋਰ ਆ, ਮੇਰੇ AK-47 ਸੇ ਨੀਚੇ ਉਤਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ AK-47 ਆ, ਮੇਰਾ AK ਆ। ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਆ 27 ਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ AK-47 ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਲੱਕ 28 ਕੁੜੀ ਦਾ, AK-47 ਵੇਟ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਈ। ਓਕੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੈਸਟ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਤਲੀਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਤਲੀਮ ਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਆ। ਅਰਜ਼ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਤਾ ਥਿਨ ਤਾਲੀਮ, ਤਾਤਾ ਥਿਨ ਤਾਲੀਮ, ਤਾਤਾ ਥਿਨ ਤਾਲੀਮ। ਓ ਬੇਟੇ, ਤਾਤਾ ਥਿਨ ਤਾਲੀਮ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਤਰਮਾ ਤਲੀਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ, ਮੈਂ ਬੜ ਸੁਬੋ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਸੰਦਈ ਲੈ ਆ ਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਾਣ ਹੱਸੇ ਰੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਸਲੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੱਸੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਗੂੰਗੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੂੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲਕ ਆ? ਜੋ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਲੀਮ ਤੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਤੂੰ ਤਲੀਮ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਬੇਟਾ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਜ਼ਲਾਲਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਪੁੱਠੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀਆਂ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਕੀ ਕੋ ਗੱਲ ਕਾ? ਆ ਦੂਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆ ਫੁੱਲ ਲੈ ਆਓ, ਆ ਗੱਤਾ ਲੈ ਆਓ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਆ ਚਾਟ ਲੈ ਆਓ, ਆ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਲੈ ਆਓ, ਆ ਬਾਰਕਰ ਲੈ ਆਓ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਝੱਗ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੋਰ ਤੇ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ? ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਭੌਂਕਣ ਦੇ ਇਸਕੋ ਆ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਯੇ ਜਬ ਆਪ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕੋ ਆਗੇ ਬੜਾਇਆ, ਉਸਕੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਜੋ ਥਾ 3 ਕਮਰੋਂ ਸੇ 6 ਕਮਰੇ ਕਰ ਦੀਏ। ਬੂਟ ਕਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆਪ ਇਸਕੋ ਤਵੱਜੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਇਸਕੀ? ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਹਮ ਆਪਸ ਮੇ ਬਾਤ ਕਰ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਫਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਇਸਕੋ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੀ। ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੇਖੇ, ਸਕੂਲ ਕਾ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਬੂਟ ਔਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਨਣਾ। ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟੇ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ, ਬਕਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਬਾ। ਦੇਖ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਕੋ ਵੋ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰੋਂ ਕਾ ਪੀਟੀ ਕਾ ਡੰਡਾ ਔਰ ਉਸਕਾ ਖੌਫ ਜੋ ਉਸਕੋ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਪੀਟੀ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਸਭ ਸਕੂਲੋਂ ਮੈਂ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜਬ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਫਾਈਨ ਡਾਲਤੇ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਸਕੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਗੇ ਸੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਕੋ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਅਬ ਆਗੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਯਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਮਾਰਾ ਸਕੂਲ ਕਾ। ਡਾਕਟਰ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਨਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਸੀਹਤ ਆਈ?
बच्चे ने कहा तो हटना बई। प्राइवेट स्कूलों मिसा जरा बच्चों तो डर होंगे तो गौरमेंट के स्कूलों बच्चों मास्टर को डर। यार तुम कभी सोचे कि बच्चे गरीब घर होंगे ने तुम उन्होंने कहें जो 2000 का यूनिफॉर्म आ 3500 का आह कोर्स आह कोर्स आ उन्होंने कितों वालदान पूरे कर जाओगे तुम कभी ये गल को सोची। देखिए स्कूल के अखराजात भी बहुत होते हैं ना, सबको पैसे अपना किराया भी 2000 रुपये एक बच्चे की फीस है, तुम हिसाब लाओ कि रेहत पढ़ाई है 65 रुपये रोज़ का पेंदे। बाकी हम बच्चों को और काफ़ी कोर्सेज करवाते हैं, पेंटिंग सिखाते हैं, साइंस का प्रैक्टिकल करवाते हैं। अपना वकीले आ जो अपना प्राइवेट स्कूल 5th क्लास तक दिन तक हाँ जी 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे की उम्र होंगी 16-17 साल और मिस की होंगी 20-21 साल। उतो मीडिया साढ़ा दौर ऐसा जो अपना सारा नैट नुट ये वो निज़ाम। सही गल है बूटा जी, ये स्कूल तुम जो माड़े जी अच्छे ने इतने महल जैसे ऐसे स्कूल ने जिथे मिसा की तनखा जी ना वो ज़्यादा तो ज़्यादा 6.5-7-8 हज़ार रुपया, तो बच्चे की फीस जी होंगी 650-700 रुपया होंगी। हाँ जी अच्छा डॉक्टर साहब मैटर आप उन्होंने किया होंगे मिसा नहीं। देखो ये तुम अपने घर वाले की अपनी सिर पीट है, उन्होंने नहीं होंगे गुजारा, 3000 नहीं दे सकते 650-700 दे देंगे और इन्होंने अपने अपने खर्चे होंगे स्कूलों का हर हिसाब क्यों मानो। हाँ जी बिल्कुल जैसे पैसे वैसी पढ़ाई नहीं 10-10 हज़ार भी फीस है बच्चे की। बच्चों का की कसूर है, गरीब के घर जम पिया एक अमीर के घर जम पिया, लेकिन पढ़ाई सारे की एको जी होनी चाहिए। क्यों भी सही गल है, ये तो कोई ना गलबात हुई जिदा की फीस उदा की पढ़ाई, मैं तो बहुत खिलाफ हाँ। ये मेरे हिसाब के नाल कभी गरीब के बच्चे का जेन बहुत अच्छा निकल सकता पढ़ाई च, कभी अमीर का बच्चा कख भी नहीं हो सकता। फिर क्या गल सुन तो अच्छे इन्हों का मसला हल करिए, पहले इन्होंने मैंने काफ़ी डिटेल दसिया कि गौरमेंट के नाल इन्हों का स्कूल आना वो गौरमेंट कहती है कभी बंद कर नहीं तो सानू रजिस्ट्रेशन दे 8 साल दे। हाँ जी जुर्माने भी तो इन्हों पैने ने ना। देखो ना इसने अपना इसने सबसे पहले अपने घर में अकैडमी खोली, फिर जब बच्चियों की तादाद ज़्यादा हो गई 2 कमरे इसने ले लिया, साथ ही बिल्कुल नाल लड़क के फिर 3 कर लिया। जब बच्चों की तादाद बढ़ने लगी तो इसने महल्लेदारों की फरमाइश पर इन्होंने स्कूल इसने बनाया। माँ बाप की ख्वाहिश थी कि उनकी बच्चियाँ बाहर ना जाएं, ऐसा ही है ना मानो जी बिल्कुल। और फिर ऐसे बस अल्लाह ने बरकत डाल दी, अवाम को लोगों को इन पर एतमाद था, लोगों ने इनको किया, फिर इनके हाथ में खारिश। ओए तड़ को पैसा आने वाला जी बूटा इस खारिश का मजा मेनू पैसे नालों ज्यादा आंदा कि बोरिए तोड़ रहे मजा नहीं आ रहा। सही गल है यार, तू भी फिका मैं भी अज अद्धा का फिका कला बूटा प्रोग्राम सामभी फिर किन्नी क देर बूटा हूँ हसावे लोगों को थोड़ा बहुत नाल दे। मैं अब आपको एक बहुत काम की बात बताता हूँ कि नाजरीन इसके साथ ही नाजरीन ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक का बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे मरण सास जी मारो जी। हेलो यार मैनू पहले दसो ना तुसी 8 साल तो इनू ये पता सी भी मैं बच्चिया कोलों फीसा पोटनियां, 8 साल च इनू ये पता सी कि मैं 1 कमरे तो 2 कमरे करने हैं, 8 साल तो इनू ये पता सी कि मैं हेठ उपर बिल्डिंगा पाउनियां, 8 साल तो इनू ये पता सी कि मैं बच्चे नू आ काम करने, बच्चे नू यूनिफॉर्म लाने, बच्चे नू आ जुतियां पाउनियां। 8 साल तो 8 साल तो हसी जान दे, उहदे दंद निकली जान दे, उन्हूं पता ही कोई नहीं। लै दस लै ये हाथ अंदर तेनू बिल आउंदा। यार मैं ते अल्लाह दी कसम बड़ी सीरियस गल कर रहा, मैं अपनी गलों नू शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा, उन्हूं पता ही कोई नहीं लगन दिया। उसी लै उसी जान दे, चाह पी जाती हसी जाती, असी पागल है इतने, सारा दिमाग खराब, असी भौंकते हैं इतने। आप अपनी बकवास जारी रखे, मेरी गल तो सुनो ना यार। मैं तेरी गल सुन लेती है। हाँ जी 8 साल तो इनू ये पता सी कि जिस बच्चे की फीस 5 तरीक तो बाद लेट होनी उन्हें 10 रुपए रोज यौमिया जुर्माना भी पाउना। अच्छा 8 साल तो इनू ये नहीं पता लगा। ओ 8 साल तो इनू ये पता लग गया, 8 साल तो इनू पता साड़ा लग गया। अगे ये है कि मैं कह रहा था कि 8 साल तो इनू नहीं पता लगा, 8 साल तो उन्हें ये नहीं पता लगा, हूँ उन्हें ये पता लग गया। वो जो सिर ते पई गौरमेंट ने उन्हें कागज भेजे कि चल बीबी ए तू काम किया तू सानू दसिया ही नहीं, हुण तुहाडे को मजलूम बन के आके बह गई, उतो तू बड़े हिसाब दे नाल बड़ा मीसना बन के तेरे को जेड़ा मर्जी बंदा आ जावे तू उहदी तरफदारी शुरू कर दिंदा। 8 साल तो उहनू पता ही नहीं लगा कि उहदे स्कूल दे बाहर एक बंदा लड्डू पीठियां ले ला के खलोंदा इहदी वजह तो, इहने कदी उहदे अल मूँह करके नहीं वेख्या 8 साल तो।
अच्छा गल सुन। हाँ जी। आराम ना तहमल ना जवाब लाना। 8 साल तो जो कुछ तुसी क्या वो 100% दुरुस्त क्या। हाँ जी 100% हूँ जो कुछ तुसी कहना ये 100% गलत कहना। चलो कवो। मैं नहीं कहना। नहीं नहीं कह। मैं नहीं कहना। मैं कहना मेरी इस गल का जवाब ही नहीं हैगा। जवाब दो कोई। मैं कहना 100% सही कहना। मेरी अगर गल तो सुन। सुनाओ। नहीं तो मैं कॉल बाद कर दांगा तेरी। नहीं नहीं 8 साल बाद मेरी पहली मेरे गल सुनाओ। मैं कह रहा कि आना जी सादगी सी और बेवकूफी सी। हाय सदके जावा या सादगी कवो या नहीं सादगी या बेवकूफी ते सादगी कवो ते या फिर चलाकी कवो। ये जिहड़ी सादगी ते बेवकूफी है ना ये दोवे बचण वाले लफज ने जिहड़े तुसी इस्तेमाल कीते ने। तुसी कवो या इना दी बेवकूफी सी या इना दी तेजी सी शातरपन मीसना निजाम के 8 साल तो इन्हां नूं पता ही नहीं लगा कि इनू मैं रजिस्टर्ड भी करवाउणा इहदा मैं स्कूल दा कोई करवाउणा वी आ कुछ फीसां दे ही जाओ अपना फंड दे ही जाओ ते दे ही जाओ। बच्ची आ औरत मेरे कोल अपना मसला हल करवाउण आईगा 8 साल दा जवाब देण नहीं आई। हाँ भाई जी असी तो देखना कि तुसी साडा मसला बूटा जी मसले हल कर। इंसाफ का मंदिर है ये बूटे का घर है। हुण मैं बंदा मार के आ जावां तो तू की आके मेरी साइड लैणी शुरू कर देंगा। बिल्कुल। क्यों मैनू करना पएगा। क्यों मैं बाजाबता तरीके ना तेरी सिफारिश अपमानित करावांगा बाबा और तफ्तीश करावांगा और तेनू सही तरीके दे नाल मैं फांसी ते इंशाल्लाह तला चढ़वा देंगा। यानी असी तेरा प्रोग्राम इस तो वेखीदा सी कि तू मजलूमा यतीमा मस्कीना की मदद करदा आ तेरे को मीसनी जी आ गई 8 सालों का हुकूमत दे पैसे खा के ते हुण तू मदद करेगा। जेदे नाल जुलम नहीं हो रहा विचारी ने इन्ने साल ला के बच्चे बच्चियां पढ़ाए हुण बच्चे बच्चे जदों वड्डे हो गए तो उन्हें दाड़ा बंद कर। दाड़ा बंद होना ही चाहिए। 8 साल तो मैं इहदे स्कूल दे बाहर लड्डू पीठियां ले लाए एक वारी इन्हें मेरे वाल मुड़ के नहीं वेख्या यार। ओए मेरे विक्टम आ तमीज नाल गल करी मैं तैनूं दस्सां ही खबदार तेरे को उंगली चुके ते 8 साल तो तू मार मेरे। मैं कोई ऐसी बात मैं एक आजाद शहरी हाँ मैं जो मर्जी कह सकदा। 8 साल तो मैं जलील हो गया लड्डू। तू आजाद शहरी है ना बेटा ये ना होवे मैं गुस्से च आके तेनू कैदी शहरी बनवा दियां। जा बूटिया एक कुड़ी दी खातर अपने विक्टमा दे नाल सीधा हो गया। लानू ओ जा तेली तोड़ता ही बूटे कैसा तेरा चाल ही चैना करगा मुंह है यार खट्टा ही करता ही दिल। ला कैसा वड्डी बाजी दे सौरे अरगा मुंह तेरा। एक मिनट ओ देखो जनाब तुसी जज्बाती हो रहे जे समुंदर बहुत ज्यादा डूंगा हुंदा सियाने कहिंदे ने जिन्हां खादियां गाजरां गोडे उन्हां दे पीड़ इन्हां दा हुण असीं जिहड़ा मसला हल करांगे। हाँ जी जिथे तुहाडी टाई खत्म हो रही ना उथे तुहानूं बहुत अल्लाह ने अकल दित्ती। बड़ी मेहरबानी सर। देखो छोटे हुंदे मेरे वाल साहब ने यार तू बब चाहते क्या हो मैं वकील चुक के तेरे उत्ते मारदा ना तेनूं लग पता जाणा कि भावे कदी आ। शट अप गट लॉस्ट। बीबी जी मैनूं इह दस्सो वी कसम वाली गल आ 8 सालां दे विच तुहानूं इह नहीं पता लगा वी स्कूल जिहड़ा इहदी रजिस्ट्रेशन शम वी कराई दी। पता ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਦੱਸੋ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਫੇਰ ਕਰਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਓਏ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੂਟੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸ਼ਹਿ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੋ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਐਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਉਸਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਉਸਕੋ ਐਸੇ ਵੋ ਭੁੱਖ ਲਾ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ। ਦੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੱਡੂ ਪਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲੀਮ ਦੇਣੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀਮ ਦੇਵਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਹਲੀ ਬੇਕਾਰ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣੀ ਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਸੀ। ਸਨੋਕਰ ਕਲੱਬ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਨੋਕਰ ਕਲੱਬ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਓਏ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਮ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੀ? ਜੋ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਤੇ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਲੋਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੀ। ਬੂਟਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। 8 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪਣੇ 8 ਸਾਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਓਕੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਡੂ ਪੀਠੀਆਂ ਲੈ ਆ ਵੇਲੋ ਫਿਰ ਅੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਅੱਛਾ ਜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸ ਆਪ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ 8 ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹਾਸਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜੀ।
ਹੁਣ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਰੇੜੀ ਲੱਗੀ ਉਧਰ ਦੇਖਣਾ ਯਾਰ ਓ ਭਾਈ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਯਾਰ ਓਕੇ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਵਕਫਾ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੇ ਵੀ ਹਮਨੇ ਜਾਣਾ ਓਕੇ ਨਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਤੇ ਹਾਂ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी जी डॉक्टर साहब जी डॉक्टर अज का प्रोग्राम है दो तीन कालर की वजह तो फिका हो गया यार मौला लवे ना। यार देखो जिदा हुण कबूतर दे पार कट दे तो गोडिया नहीं जाता इदा प्रोग्राम भी उन्नी की हो ही जाती है यार बिल्ली का काम है दुध पीना उन्हें पीना ही पीना अब बिल्ली कितों आ गई यार देख ना जिदा मेरा मतलब के जंगल च सारे जानवर कट्ठे ही फिरदे इदा ही इन्हों स्कूल का पहले रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए सी गूंगिया के भी तो स्कूल हैगा ही है ना यार कि ऐसी कोई ऐसी टेंशन वाली गल नहीं सारी रात गड्डिया जाती जिस मर्जी बैग निकल जी जिन्हें किसी का हक खाधा होंगे एक ना एक दिन वो निकल ही जाता रहिंदा नहीं वो तेनों दौड़ा पै गया मैं पता लग गया पहले यदा कुछ कर यही कहने ना जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो इन्हों भुख लगती प्यास भी लगती स्कूल इन्होंने बना लिया बच्चों तलीम देनी शुरू कर दी ये गल मैं मानता लेकिन जदों तक ब्रैलर का रेट वध घट होंदा रहना यह मसला हल नहीं होना रजिस्ट्रेशन तुहानू करवानी पैनी अगे तुहाडी मर्जी जिदा मर्जी कर लो ओए साइको मोटे एक मिनट मेरी गल सुन मैं जदों छोटा होंदा सी मेरे वालद साहब ने तैनू एक बैठक दे विचों कढ के तरू के लियांदा सी और रस्ते तैनू चपेड़ां वी मारियां सी तुहानू कहा सी अगे तो इधर नू आया तो फिर तैनू दसांगा अच हुण तू वड्डा हो गया हुण तू मेरी गल सुन हुण मैं तेरा वालद हाँ हुण पुराने वालद नू अपने नू भुल जा तू लेकिन उन्होंने जो मैनू समझाया वो तो दस लैन फिर वो गल मैं तेनू कहनिया कि मेरे खारिश जिहड़ी हुंदी है एक फितड़ दी अमल हाँ हुकूमत पांच साल पूरे करके ही जांदी है ओ तू कित्थों मेरे जोड़ां च बह गया तेनू की दौड़ा पैंदा यही गल उह मसला कोई होर हो रहा तू अपनियां मसालां को गल किधर दी को किधर दी मैं की कहा तू गल कोई हुंदी लिया किधर आ जाना बालोल कोई इधर बैठा उठा तो बंदा देख लिया बूटा जी जो इंसान का जमीर मर जाता ना वो उदो पेंडस की दर्द का नहीं पता लगता वह ऑपरेशन करवाना ही पैंदा इस औरत का मसले का हल है ये आ तेरे को कदी नहीं होना नहीं नहीं तुम जरा विच बोल पे बैठे होर मैं बाहर बोलना हूँ दो मिनट असल गल सुनोगे मेरी कि नहीं मैं जो छोटा हों मेरे वालद साहब ने मैनू कहा कोई वट्टा की दूरों पिया तेनू कद यार गल तो सुन ला क्या बकवास आ जो खूह के पानी कढ़ी जाना तो एक टाइम खूह नीवा नहीं हो जाना खूह नहीं नीवा हों पानी नीवा हों लेकिन तू नीवा नहीं हो रहा कच्चे भी तरीके मैंने बुलाया का तो हाए ओ चिट्टे दंद हसनो नहीं हो रहंदे ते लोकी पैड़े शक कर दे शक कर दे लो जी हरभजन मान साहब का फोन आ गया जी इंडिया दे विचो डायरेक्ट ही तुहानू सत श्री अकाल सरदार साहब मैं कह सत श्री अकाल जी हां जी होका भाई किथे तक पहुंच गया मसला सरदार जी चंडीगढ़ तक पहुंच गया की हाल है भी मुटियारे फाइन भाई बहुत बढ़िया भाई बूटे क्या बात है भी तेरे प्रोग्राम दी यकीन कर भाई हस हस बखियां दूरियां हो जांदियां साडियां जरा हसो जी मेरी बारी भी जरा हसो हसो पागल है क्या बात है भी क्या बात वह चुप कर वह उतरिया ना मैं की आखता भाई भाई वो तो जेड़ा भी फोन आता हसी जाती है हुण इत मेरा की कसूर है वह चुप कर मरन जो गया दस ओनू नहीं हटाउंदे सानू आखी जांदा आहो बूटे यार ये की रौला मैं ते आप हुण गौर कीता गल कोई भी नहीं हुंदी एवें बैठी हसी जांदी है तू इस गल नू छड़ तू दस के तेरे वालद साहब ने छोटे होंदे तेनू की कहा सी उन्होंने यही कहा भी बहुत वड्डा होया छेती छेती हुण मसले का हल कर दीए कि इन्हां दा मैं केस दायर करांगा एक अदालत दे विच जिहड़ी गौरमेंट दी बनी आ अदारा बनिया तलीमी अदारा जिहनू असीं कहिंदे आ उहदे विच जे कोई जुर्माना जुर्मूना होया तो करा के दे गए तो इन्हां दा स्कूल रजिस्टर्ड करा देंगे पहली अच्छी गल कीती बट मेहरबानी बूटा जी इनको लेके आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाए नहीं जी तो लैके जाना तो अपनी मोटरसाइकिल के पिछे नहीं बिठा क्योंकि जो तू बहना मोटरसाइकिल के पिछे बिल्कुल जगह नहीं बचती नहीं उन्होंने कोल अपनी गड्डी हैगी तू नहीं उस जाना
तू अपने स्कूटर दे उत्ते जा। हां ते मेरे नाल भी जा सकदे, पिछे बैठ सकदे। तेरी मोटरसाइकिल दे पिछे बैठ के पता लगदा कि बंदा पिछले दी मोटरसाइकिल दे बैठ गया। और जो वहां पे मसला होगा मुझे उसकी जल्द रिपोर्ट चाहिए। बहुत अच्छे। शुड बी वेल हाइपरसोनिक लेट मी डियर एंजॉय हियर। वाह वाह वाह। दिस केस इज टोटली प्रॉपरली रिपोर्ट मी अ फ्यू डेज मिनट आवर हो बिकॉज यू आर ओके। मां चाचा बूटा आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम करिए ज्यादा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।